अब इस पीडीएफ में भी आप सीधा ये विस्ट्रॉन का बोर्ड आ गया, है ना। तो इस पे मैं जाता हूँ, सबसे पहले कहाँ जाऊंगा, शुरुआत में ऐसे ही करूंगा अपने डीसी सेक्शन से, ये बैटरी चार्जिंग है ना, यहीं पे जा रहा हूँ, पेज नंबर 85। पेज नंबर 85 में आए, एसी ने एसीपी मेरे को मिल गया, इसको देखा मैंने, देख के पहले समझा मैंने चार्जिंग सर्किट को समझा, भैया इसमें तो एक ही मॉस्फेट है, ड्यूल मॉस्फेट है ना, मतलब बक बूस्ट नहीं है, ये मेरा बक बूस्ट नहीं है, है ना, ये बक बूस्ट नहीं है, इतना मेरे को समझ में आया। बाकी और देखता हूँ वीसीसी पे क्या लिखा है, वी रे, मतलब इसमें टाइप सी कॉन्सेप्ट नहीं, इसमें टाइप सी कॉन्सेप्ट नहीं है, टाइप सी का वो दे रखा है, दे रखा है, दो दो दे रखा है यहाँ पर टाइप सी, है ना। अब इसको वी रेटिंग 20 देख करके मेरे को लग रहा है टाइप सी कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पर वी बस लिखा हुआ नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसको और ज्यादा पैक करके एक बार कंफर्म करूंगा, है ना। ये आपका गेमिंग बोर्ड है, 8th generation 9th generation में आता है ये, पेस्ट किया, कहाँ से बर्थ प्लेस इसका बन रहा है, अभी नहीं, एसी फेट आरबी फेट पे पहुंचना है मेरे को, टाइप सी है नहीं है पता चल जाए। बना कहाँ से वी रेड इन 20 चाहिए तो यही मेरे को, डीसीसी हाँ यही चाहिए। अरे बन कैसे रहे हैं इसका बर्थ प्लेस, ये नहीं, ये भी नहीं, यहाँ पर वी रेड इन 20 लिखा हुआ आ रहा है, फैक्ट्री वोल्ट ये तो वही थिंक इंजन वाली आईसी है, ये तो इनपुट हो रहा होगा, और यहाँ पर भिन T20 भी लिखा रहा है ना, कहीं ना कहीं रिलेशन जुड़ जाएगा इस भी, ये जो है ना भिन T20, एक वर्ड मेरे को ये मिला है, जरा इसको लेकर के मेरे को आगे बढ़ना, मेरे को एसी फेट आरबी फेट को खोजना है, तो मैं इसको खोजता हूँ कहाँ है ये मेरा एसी फेट आरबी फेट बना कहाँ, तो कुल मिला के ये मेरा पहला जैसा था वैसा ही तो है, डीसी इन डीआरबी देख लो जैसे पहला था वैसा ही तो है। अगर मैं इसको लेके चलूं, मेरा R1 कहाँ है, ये 200 किलो मेरा R1 हो सकता है, R2 मेरा 100 किलो है ना, वही ऑन होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, तब ग्राउंड है, यहाँ पे पावर शट डाउन, यहाँ पे डिस्चार्ज, ये दोनों ही कौन दे रहा है, पीछे से वही आईसी। तो कुल मिला के यहाँ पर ये सर्किट तो हमने समझ लिया, ये सर्किट मेरा बिल्कुल वैसा ही है ना। हाँ टाइप सी के लिए अगर आप बोलते हो जाने के लिए, तो टाइप सी के इसके मैं उस पर जाता हूँ एक बार, और इसमें आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये मेरा टाइप सी है, टाइप सी कनेक्टर के डिटेल्स पे जा रहा हूँ, टाइप सी का लिखा है USB 4, मैं USB 4 पे जा रहा हूँ, USB 4 इसके डिटेल्स को देखते, USB 4 ये आ गया मेरा USB 4 है, तो टाइप सी कनेक्टर है ना। तो यहाँ पर जो आपको सप्लाई चाहिए होगी है ना, उसको मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पर ये रहा A4 लिखा हुआ है, TBT VBUS 20 कनेक्शन, नाम तो वही दे रखा है, आगे लेके बढ़ो इसको, TBTB एक ये है और दूसरा वाला ये है TBTA और TBTB, मतलब दो पोर्ट है जो TA TB, कोई भी एक पोर्ट लेके आपको चलना है, कोई भी एक पोर्ट लेके जाओ, कॉपी किया, कॉपी करके पेस्ट किया और आगे बढ़े, मेरा कनेक्शंस कैसे जुड़ रहा है, यहाँ पर आया तो भैया यहाँ पर फिर से आया इनपुट, देखो इनपुट है तो यहाँ से हो जाएगा आउटपुट, मतलब जो वोल्टेज यहाँ इन करेगा वही वोल्टेज यहाँ से आउट करेगा, एनेबल मतलब एक स्विच आ रहा है,
U5405। फिर बना ये टीबीटी वी बस T20, इसको पकड़ता हूँ। क्या मेरा इसका लेना देना वो एसी फेट आरबी फेट से है? अगर है तो इसमें चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा। आगे बढ़ा टीबीटी वी बस T20 को लेकर के, अभी नहीं, अभी भी नहीं। देखो टीबीटी वीबस 20 मतलब इसमें दोनों कॉन्सेप्ट है। मतलब आप इसमें चाहो तो एडाप्टर लगा लो, चाहो तो टाइप सी मतलब बैरल और टाइप सी दोनों काम करेगा, बैरल और टाइप सी दोनों काम करेगा। वो कैसे समझ में आया इसको देख के। अब ये टीबीटी वीबस 20 100 वाट का है ना, तो यहाँ पर 20 वोल्ट बना, उसके बाद आप देख लो चीजें वही रहेंगी। एसी फेट आरबी फेट, ये 100 किलो का रजिस्टर और दूसरा ये 10K का रजिस्टर। जब टाइप सी केबल टाइप सी आता है तो यही वाला कॉन्सेप्ट हमने इससे पहले देखा है ना। देखो टीबीटी एचपी गेट, एचपी गेट, तो कुल मिला के बात आ गई कि इसमें तो तीन तीन है कि आपका ये काम करेगा 20 वोल्ट के लिए काम करेगा। तो काम करेगा तो ये मेरा किसको जाएगा, उस पीडीआईसी को भी जाएगा। पीडीआईसी भी है, कहाँ है पीडीआईसी? तो अब इसको पकड़ने दो, पीडीआईसी कहाँ है? अभी नहीं पीडीआईसी। ये देखो सीसी वाला मेरे को दिख गया वो स्विच U5401, तो सीसी लाइन में होता है ना, ये सीसी लाइन ही था ना, ये टीबीटी सीसी है ना। और इससे 52 नंबर पे जा रहा, आई थिंक 52 नंबर पेज पे जाऊं, 52 नंबर पेज पे मुझे मेरा पीडी कंट्रोलर मिलेगा। ये रहा मेरा पीडी कंट्रोलर है क्या ये, पता कैसे चलेगा, रुको देखना। ये इस पे आ रहा है, बायोस वाली चार पिन कनेक्टेड होती है। ये देखो भी बस आ गया, इन आउट लिखा है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर मेरा दोनों कॉन्सेप्ट है ना। और वो एक स्विच आईसी आपको सीसी लाइन में और एक स्विच आईसी आपको 20 वोल्ट की लाइन में, वही चीज मिला आपको, समझ गया ना। और ये आपका पीटी कंट्रोलर। अब पीटी कंट्रोलर में जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर आएगा क्या आएगा, हाई वोल्ट आएगा तो एलडीओ जनरेट करेगा। एलडीओ है क्या इसमें, देखो जरा है लेकिन कहाँ है, उसको निकालो। ये रहा एलडीओ 3.3, एलडीओ 1.8, तो 3.3 ये रहा, इसी का मेन यूटिलाइज हो रहा है। इसका यूटिलाइज शायद नहीं किया है ना, किया नहीं किया, आप ऐसे करके देख लोगे। अगर आपको कहीं कनेक्शन जाता हुआ लग रहा है तो दैट मीन्स किया है, नहीं लग रहा है तो नहीं किया। देखो कहीं नहीं जा रहा कनेक्शन, दैट मीन्स इसका यूटिलाइज नहीं हुआ। जो भी यूटिलाइज हुआ है वो इसका हुआ यूटिलाइज, समझ गया ना। सारी की सारी चीजें वही है। बोलोगे बायोस कहाँ है, तो देखो बायोस अगर लैंग्वेज हमें पता है, ये रहा एसपीआई एसएस एसपीआई क्लॉक, पेज नंबर 50 पे जाओगे, पेज नंबर 50 पे गया मैं, यहाँ पर मेरे को बायोस पे नजर आएगा। देखो ये मेरा 1 MB का वो बायोस है। तो जो कॉन्सेप्ट इससे पहले हमने देखा वही वीडियो इसमें भी आया, प्लस बैरल अडेप्टर भी, बैरल अडेप्टर भी इसमें आ गया। तो मतलब एक इन वन बोल दिया, समझ गया ना। यहाँ पर टाइप सी का ये मतलब दो पोर्ट जो दिया है वो देखना पड़ेगा, दोनों देख सकते ऐसे करके, दोनों देखो। जैसे मैंने देखा ये वाला, मैंने कनेक्शन लिया था अभी यूएसबी 4 का है ना, और दूसरा जो कनेक्शन है मैं दूसरा भी लेता हूँ USB 3, USB 3 भी देख लेते। जैसे USB 3 इसके कनेक्टर पे जाओ आप, USB 3 हाँ ये भी सेम है TBT V-Bus 20 है ना। ये आपको किससे जाके जुड़ेगा, वही स्विच से जाके जुड़ेगा कहीं ना कहीं। देख लो कॉपी पेस्ट, TBTA लेके चलना अभी, TBTA क्या रहा है। तो इसका अलग है स्विच, उसका अलग है स्विच, दोनों का अलग अलग है। ये U5402 है, वो U5405 था, तो दोनों का स्विच अलग अलग है, यहीं पे दिख जाएंगे आपको है ना। सर्किट ही दोनों का अलग अलग कर रखा है ना। देखो एक ये था 5405, एक यह रहा था स्विच, और एक आपको स्विच दिख रहा है ये वाला। तो दोनों का अपना अलग अलग, मतलब हैवी बोर्ड है ये, बोर्ड ही देख करके आपको पता चल रहा है हैवी बोर्ड है, ऊपर से गेमिंग है
टाइप सी का कॉन्सेप्ट है, बैरल एडिटर का कॉन्सेप्ट है, ऊपर से गेमिंग है, गेमिंग का ही पहचान होता है। बहुत सारे फाइल आप प्रोसेसर और जीपीयू के पास में जा रहे हैं तो ये क्या होता है, गेमिंग बोर्ड्स होते हैं, समझ गए ना। ये हो गया, तो अब सारी बात तो ये हो गई, ये तो हो गई सर्किट। अब बात आ गई कि हम टेस्टिंग कैसे करेंगे, है ना। उसमें मैंने आपको आपको एक बताया था, एडाप्टर आईडी का भी मैंने आपको एक जुगाड़ बताया था, है ना। टाइप सी के लिए भी हमारे पास क्या है कि अगर हमें टाइप सी को लेके चलना है तो मैंने क्या बोला कि हमारे पास सारे के सारे टूल्स होने चाहिए। तो मैंने आपको साथ बूट केबल दिखाया, एक तो बूट केबल है, तो बूट केबल जो है वो टाइप सी के लिए ठीक है, एप्पल के लिए ठीक है, एप्पल का टी टाइप एल टाइप दोनों आ रहा है उसमें, ठीक है, ठीक है ना। टाइप सी के अलावा और कोई उसमें कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। और उसका जो सस्ता वर्जन है उसका मैंने बताया वो रेट आपको 5500-6000 इसके बीच में पड़ता है। उसका एक सस्ता वाला विकल्प ये है, देख रहे हो, ये आपका टाइप सी का विकल्प है, मतलब ये आप यूटिलाइज कर सकते हो इसके लिए टाइप सी लैपटॉप को चार्ज करने के लिए। अब कैसे यूटिलाइज करोगे, है ना। तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पर ये टाइप सी का वो दे रखा है, दिख रहा है ये, यहाँ से केबल लगाओगे, यहाँ से केबल का आउटपुट दोगे। केबल कौन सा होना चाहिए, 100 वाट का केबल होना चाहिए, हाँ टाइप सी, जो टाइप सी वाला 100 वाट का केबल आपके पास होना चाहिए, वो आप इस पे लगाओगे। और इस साइड यहाँ पर अगर आप देखोगे, क्या भाई, इस साइड यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दे रखा है, डीसी सप्लाई से पॉजिटिव नेगेटिव डाल दो। आपको वोल्टेज वोल्टेज सेट करने की जरूरत नहीं है, आप जो डिवाइस लगाओगे वो डिवाइस आपका काम करेगा, समझ गया ना। हाँ ये ओपन है, ये क्या आपका ओपन है, ओपन है तो इसको सील्ड कर लो। सील्ड कैसे करोगे भाई, अपना दिमाग लगा लो, किसी डब्बे में डाल दो इनपुट आउटपुट, है ना, एक प्लास्टिक का बॉक्स आता है उसमें इनपुट आउटपुट करके कर दो, सील्ड हो गया, ये पूरा का पूरा पैक हो गया, आप आराम से इसको यूटिलाइज कर सकते हो, है ना। इतना आपको थोड़ा सा जुगाड़ करके डब्बे में बनाना पड़ेगा, कोई भी एक प्लास्टिक का नहीं है तो 5 रुपये वाला डब्बा उसको ले लो, उसमें इतना का कट कर दो, है ना, केबल निकालने लगाने के लिए हो गया और 2 बार निकाल ऐसे, तो ये सील्ड हो गया आपका, है ना, गंदा नहीं होगा जल्दी, खराब नहीं होगा जल्दी, है बहुत बढ़िया चीज़ ये, समझ गया ना। एक तो ये है, समझने ना, दूसरा टाइप सी का मैंने आपको बूट केबल दिखा दिया, है ना, तीसरा तीसरा ये रहा, हाँ यूएसबी का भी दे रखा है, मैंने कभी यूएसबी का चेक नहीं किया है, है ना। यूएसबी का भी वोल्टेज जनरेट करेगा 5 वोल्ट, है ना, कहीं पे मान लो यूएसबी पावर देना है, यहाँ से लगा लो 5 वोल्ट उसको देता रहेगा, है ना, स्मार्ट है ये। अगर आप लैपटॉप लगाओगे तो 20 वोल्ट निकालेगा, सैमसंग का मोबाइल निकाला तो वही 9 वोल्ट निकालेगा, है ना। जैसा कम्युनिकेशन होगा, बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, वोल्टेज देगा कौन, यही देगा, समझ गया ना, यानी कि बोर्ड में अपने आप वोल्टेज बनेगा, देगा यही, लेकिन आफ्टर कम्युनिकेशन, सीसी लाइन से कम्युनिकेशन होगा उसके बाद। और एक डिवाइस दिखा रहा हूं मैं, एक डिवाइस ये हो गया, ठीक है ना, दूसरा डिवाइस ये है, लेकिन ये कॉस्टली हो गया, पहले सस्ता था अब ये महंगा हो गया। इसमें है क्या, यही चीज है, यही बॉक्स में डाल रखा है ना, ये बॉक्स में डाल रखा है, थोड़ा सा जुगाड़ किया गया है, जुगाड़ आपको समझ में आ रहा होगा, क्या जुगाड़ है, देखो समझ में आ रहा है, क्या लिखा, पावर बैंक, पावर बैंक वाले बॉक्स में डाल दिया, है ना, इसमें कनेक्शन कर दिया यहाँ पर ऐसा कि सीधा सीधा जो आपका डीसी से लग गया
और यहाँ पे केबल लगा के आप आउटपुट ले लो। क्लियर बात? दो जुगाड़ मतलब दो ऑप्शंस हो गए आपके टाइप सी के लैपटॉप के लिए, है ना। स्पेशली मैं लैपटॉप को लेके बताता हूँ, लैपटॉप चलेगा इससे, लैपटॉप चार्ज होगा टाइप सी का, है ना। इन दोनों के साथ एक डिमेरिट्स ये हो जाता है, डिमेरिट्स की भी बात की जाए तो डिमेरिट्स क्या हो जाता है इन दोनों के साथ, डिस्प्ले नहीं है इसमें, इसमें आपका डिस्प्ले नहीं है। तो कोई टेंशन नहीं है, परचेज कर लेना अगर तो आपका डिस्प्ले का भी आ गया मेरा, है ना, डिस्प्ले का भी ऑप्शन मेरे पास आ गया। अगर मैं इसके साथ ये परचेज करके डाल लूँ, मेरे पास डिस्प्ले का ऑप्शन भी आ गया ना, इसके साथ डिस्प्ले भी आ गया अपना, है ना। ये आपका टाइप सी टेस्टर डाल लेंगे, है ना। करना क्या है, कुछ नहीं करना, इसको इसके साथ लगाना है मान लो, तो ऐसे करके लगा लो आप, ये इसमें लग जाएगा। और यहाँ से आप केबल निकाल लो, या फिर केबल यहाँ से निकालो पहले, बीच में यहाँ डाल दो और ये आप लगा लो किसके साथ, अपने लैपटॉप के साथ। तो ये डिस्प्ले का आपका इससे मिल जाएगा, है ना। इससे भी वही, इससे भी वही, डिस्प्ले का काम इससे हो जाएगा, कॉस्टिंग आपकी बढ़ जाएगी इसके मुकाबले, नहीं ना, कॉस्टिंग आपकी बढ़ जाती है। इसके अलावा जो सबसे बेस्ट आइटम्स है टाइप सी के लिए, टाइप सी क्या, मैं ऑल इन वन बोलता हूँ इसको, है ना, ये बॉक्स, अब इस बॉक्स में देखो बेनिफिट्स क्या है, ये समझना, इस बॉक्स के बेनिफिट्स क्या है। ये देखो बॉक्स, इसमें क्या डिस्प्ले भी है, वोल्टेज भी दिखा देगा और एम्पियर भी दिखाएगा, क्लियर। और क्या इसमें ऑन ऑफ बटन भी दे रखा है, आउटपुट नजर आ रहा है, और आपको क्या नजर आ रहा है, एचपी डेल लेना, वो जिसका लैपटॉप है उस पर सेट कर लेना, लेना वो है तो इधर, है ना, इस तरह करके आराम से ये देखो जहां भी सेट करना वो सेट हो जाएगा। तो एचपी डेल लेना वो जिसका भी यूटिलाइज कर रहे हो इस पर आप सेट कर लेना, है ना। आउटपुट और ये रहा इनपुट, तो जब बात आ जाती है, दोनों आउटपुट है क्या, दोनों आउटपुट मतलब दो केबल आप निकाल सकते हो इससे। और उससे पहले इधर आओ, यहां पर देखो टाइप सी, टाइप सी का केबल निकाल के टाइप सी का आप काम कर सकते हो, इस तरफ देना है इनपुट, तो इस पर जो इनपुट देना है वो तो मेरा डीसी मशीन का इनपुट लग जाना है। ऐसे लगाएंगे देखो, ऐसे करके ये देखो, ये केबल अगर आपका है तो ये मेरा हो गया इनपुट, सिंपल है। अब सारा खेल है आउटपुट का, आउटपुट क्या क्या मेरे को मिलता है, मैं क्या क्या काम करूंगा। इसके अलावा सबसे मेन चीज यहां दे रखा है, इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, देख लो, वाटेज, वाटेज का भी सॉल्यूशन है यहाँ पर, है ना। अगर मान लीजिए कोई गेमिंग लैपटॉप आ जा रहा है आपका 300 वाट का, एचपी का है, तो आप एचपी पे पहले तो इधर आपने एचपी कर लिया, एचपी पे करने के बाद इधर एचपी पे आ गए, ये 300 वाट के लिए, इसको 300 पे ये सेट है ना। जिसका भी रहता है आप इसको सेट कर लो, इस तरह करके सेट कर सकते हो, है ना। जिस वाटेज पे सेट करना है उस वाटेज पे आप सेट कर लो अपने हिसाब से। तो वाटेज का भी सॉल्यूशन है, मतलब आईडी भी यहाँ पर इनबिल्ट मिल जाती है, इसीलिए मैंने क्या बोला ऑल ऑल इन वन है, ये ऑल इन वन है। और बाकी चीजें इसका आउटपुट, अब आउटपुट में देखिए, है ना, इसके लिए अगर हम आउटपुट की बात करें तो जैसे एक आउटपुट केबल ये है, ये एक आउटपुट केबल है, ये इसका आउटपुट केबल है। अब कौन सा आउटपुट केबल है उसको समझता हूँ, ये आउटपुट में लगेगा, इसको मैं लगा दूंगा, इसको ऐसे लगा दिया, यहां से आउट होगा। अब ये आपका क्या हो गया, लैपटॉप्स के लिए हो गया, एचपी डेल और लेनोवो हो गया ना भाई, तीनों लैपटॉप में लगाना है तो ये तो चाहिए ना अपने को, एचपी का भी, डेल का भी और लेनोवो का भी। ये आपका यूएसबी टाइप, ये आपका एचपी डेल, दोनों एचपी डेल दोनों, हाँ दोनों एक ही से, मिनी वाले और ये बिग वाले, एचपी डेल दोनों, है ना। ये हो गया केबल। उसके अलावा
एक केबल और है इसमें, ये केबल आपका बिग सॉल्यूशन है आज के टाइम का। ये देखो एक केबल यहां पर, इसको हटा दिया मैंने, इस केबल में क्या था आपने समझ लिया, इस केबल को मैंने हटा दिया। अब आ गया मेरे पास ये केबल, ये केबल कहाँ लगेगा, इसमें लगेगा, आउटपुट लग गया इस साइड, है ना, इस साइड लगा, इस साइड नहीं लगा, ये इस साइड लगा। और इसमें देखो क्या है, पता है क्या, ये देखो क्या है, बोलो किसका है, किस मॉडल का, आसूस का। आसूस के जितने भी रोग आ रहे हैं ना गेमिंग वाले, उसके ही अलग है ना, एक बड़ा एक छोटा, ये अलग आता है मार्केट से। जो आप डीसी सप्लाई का जो डीसी पिन सेट लेते हो ना, उसमें आसूस का नहीं आता है ना। तो आसूस का जो गेमिंग लैपटॉप है रोग सीरीज, उसका भी काम निकल गया है इससे, मतलब आपका ये हो गया एचपी डेल लेनोवो आसूस, सबका काम कर दिया इसने। ठीक है, इसको हटा दो। इसके बाद आपको ये आया, ये केबल और एक ये केबल, ये केबल में आप देख लो ये किसके लिए है, एप्पल में भी काम आ जाएगा, टी टाइप एल टाइप लगाएंगे कहाँ, यहीं तो लगाएंगे। देखो जहां पर हमने आसूस वाला लगाया, वहीं पर जब जिसका यूज करना वो आप लगा लो इस पे। इसके अलावा इस पे आ जाओ, अब ये क्या आपको समझ में आ ही रहा है, टाइप सी। भाई कोई भी टाइप सी हो, चाहे वो एप्पल का टाइप सी हो, चाहे वो डेल का टाइप सी हो, चाहे थिंकपैड का टाइप सी हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। डिस्प्ले भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, इससे आप चार्ज कर सकते, समझ गया ना। कुल मिला के इतने सारे सॉल्यूशंस है। इसके अलावा इसका एक इनपुट केबल भी है, ये है ना, ये इनपुट केबल भी, लेकिन इसको यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको साइड में रखते हैं। हमारा तो मेन इसी से सारा काम हो जाता है, इसी से सारा काम हो जाता है, समझ गया ना। तो ये बॉक्स, ये ऑल इन वन बॉक्स हो गया, कॉस्टली है, ये कॉस्टली है, लेकिन इस पे मैंने देखा सारे सॉल्यूशन आ गए। आपको अलग अलग रखने की कोई चीज की जरूरत नहीं है, एक बार में परचेज कर लिया, आपका सारा काम इससे बन जाना है। एप्पल का भी काम हो गया, मतलब जितने मॉडल है सबका काम हो गया आपका इससे, समझ गया ना। 7,500 रुपये, 7,500, तो सारे सारे है ना। अब देखो आप सुनो मेरी बात, आपके पास कोई अगर गेमिंग वाला लैपटॉप आता है 5 एम्पेयर का, तो डीसी मशीन काम नहीं करेगा, ये लगा लो 5 एम्पेयर पे भी काम होगा, पैसा बचा है ना, नहीं तो फिर 10 एम्पेयर का डीसी मशीन परचेज करो, है ना। तो 10 एम्पेयर का डीसी मशीन ना परचेज करना पड़े, उसका भी काम हो गया, है ना। बेशक ये चार्ज नहीं करेगा, है ना, हैवी वोल्टेज में चार्ज नहीं करेगा, लेकिन आईडी देके ऑन तो करवा देगा, समय आईडी का भी तो काम करेगा ये। और नहीं तो फिर अगर आप अलग अलग आईडी लेने जाते हो ना, वो आईडी का भी एक सॉल्यूशन, ओपीसी भी आती है ना, ये यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास वो खत्म हो गया अभी, पीसीबी, इसमें आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पर एक चैनल है इलेक्ट्रो आर्किटेक्ट, ये रहा, ये वही था टाइप सी का जो टेस्टर है ना। ये वही हो गया, मल्टी वाटेज स्मार्ट एडप्टर आईडी बॉक्स, सारे जो जो केबल है, जो जो दिखाए सारे यहाँ पर दिखा रखे हमने, और आपका
ये आती है आपको अलग अलग एक आईडी वाली पीसीबी, एचपी डेल लेनोवो स्मार्ट एडाप्टर आईडी बोर्ड फॉर डीसी पावर सप्लाई। इनपुट आउटपुट देख के समझ में आ ही रहा है, इनपुट लगाना है और यहाँ से आउटपुट लेना है। बस करना क्या होगा, जो वोल्टेज चाहिए वो जम्पर वहाँ पे लगाओ। ये कम्बाइंड प्राइस है 1500 रुपये, कम्बाइंड प्राइस है इन तीनों का 1500 रुपये। तो अगर मान लो आप आईडी का भी सॉल्यूशन लेके चलोगे तो 1500 रुपये ये टाइप सी का भी लोगे, यहाँ पर ये जो टाइप सी वाला था ये 900 रुपये, 1500 900 2400 रुपये हो गए। और फिर आपको मन में आएगा डिस्प्ले भी चाहिए मेरे को 1500 रुपये का, ये 2400 1500, मोटा मोटी 4000 के आसपास चला गया ना प्राइसिंग, है ना, 4000 के पास चला गया प्राइसिंग, है ना। अब इसमें सॉल्यूशन क्या नहीं मिला, आसूस का नहीं मिला आपको, आपको आसूस वाला सॉल्यूशन नहीं मिला। आसूस का भी आप अलग से वो पिन कर दोगे तो 300 रुपये का दो पिन आता है, आपका मोटा मोटी 4200 4300 तक तो बजट चले ही जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, सब अलग अलग है, और इस वाले में क्या है आपका सब कुछ एक साथ, बात समझे ना, सारा का सारा आपका एक साथ आ गया, इसमें आपको सब कुछ एक साथ मिल जाए। तो यही इसका वो टाइप सी में तो इसकी काफी डिमांड है, इसकी ये बॉक्स की काफी डिमांड है, लेकिन खत्म, अब नहीं आने वाला ये बॉक्स, ये बॉक्स नहीं आने वाला, समझ गए ना। तो इसीलिए हमने बोला कि भैया ये बॉक्स तो अब आने वाला है नहीं। हाँ, इसके अंदर जो चीज है वो है, अब उसमें आप जुगाड़ करके बना लो, है ना, इस टाइप का बॉक्स बना लो। ऐसा हो सकता है पावर बैंक में किसी के पास हो, पुराना कबाड़ में मिल जाए, स्क्रैप में मिल जाए, घुसा लेना। ऐसा बहुत चीज होता है इस टाइप का सेफ में, आप बनाने के लिए बना सकते हो, नहीं तो ये आपको है टाइप सी के लिए सबसे सस्ता सोल्यूशन, सबसे सस्ता सोल्यूशन टाइप सी का यही है। इस पे मत जाना, ये देखो एक और बता दे रहा हूँ, गलती से भी ये मत लेना। अगर आप लैपटॉप को लेके चलते हो, मेरा काम है आगाह करना, देख लो क्लियर कट, देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है टाइप सी, और ये डीसी मशीन के साथ कनेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन आपके सामने है क्या 100 वाट का नहीं है ना, या तो 45 वाट का है 65 वाट का है, समझ गए ना। अब आपका अगर मान लीजिए वो 65 वाट का हुआ और आपके पास है 45 वाट, ले लो, काम नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये नहीं लेना है इसमें, छोटा सा ये भी केवल, हाँ मोबाइल वोबाइल चार्ज करने के लिए ठीक है, समझ गए ना। इसमें कोई कोई तो चल भी जाता है वाटेज के हिसाब से, मैंने बोला मान लो कोई 45 वाट वाला है, चल जाएगा, है ना, 65 वाट वाला है, चल जाएगा, 100 वाट अगर किसी को चाहिए तो नहीं काम करता, तो ये आपको नहीं लेना है, समझ गया ना। देखने में बड़ा अच्छा लगता है और सस्ता भी मिलता है, मार्केट में मिल भी जाएगा आपको, नेहरू प्लेस मार्केट में मिल भी जाएगा, लेकिन मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया आपका जो भी टाइप सी का सॉल्यूशन हो लैपटॉप को ध्यान में रख के 100 वाट का होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान, ठीक है ना। तो कुल मिला के यही आपका टाइप सी का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दे दिया, जो जो डिवाइस यूज होते हैं वो बता दिया, समझ गया ना, ये ध्यान में रखना होता है। अब ये सब चीजें हैं नहीं तो टाइप सी में आप चेक भी नहीं कर सकते हो ना, आप चेक क्या करोगे, एडाप्टर लेके क्या चेक करोगे, फिर तो पूरा खोल के आपको 5 से 20 हुआ कि नहीं वो देखना पड़ेगा। और इसमें क्या होगा पहले पता चल जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर लैपटॉप तो नहीं है मेरे पास, मैं आपको ये यूज करके दिखा देता हूँ, ये मैंने डाल दिया, इनपुट डाल दिया और मैं अपना मोबाइल ही यूज करके देखता हूँ, फुल चार्ज हो गया, अपना दे दो मोबाइल टाइप सी वाले, कुछ खतरा हो जाए तो मेरी जिम्मेवारी नहीं। डीसी मशीन में 20 वोल्ट ही सेट करना है, ये ध्यान रखना है, डीसी मशीन में 20 वोल्ट ही सेट करना है। डीसी मशीन को बेशक आप ऑन कर दो, ऑन करने के साथ देखो यहाँ पे 19 वोल्ट दे रहा है, एम्पियर में कुछ भी नहीं दिखा रहा है क्योंकि आपने अभी अप्लाई नहीं किया। ऑन ऑफ करना आप यहीं से कर सकते हो, है ना, यहीं से आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो, मतलब आउटपुट ऑन ऑफ, आउटपुट का ऑन ऑफ यहीं से हो जाता है, ठीक है ना। और ये मैंने लगा दिया इसमें, ये आपको देखो एम्पियर लेने लग गया, एम्पियर लेने लग गया मतलब चार्जिंग होने लगी, समझ गए ना। अब ऑटोमेटिक
यहां पर तो 19 वोल्ट ये इनपुट का दिखा रहा है, आउटपुट का नहीं दिखा रहा, ये इनपुट का दिखा रहा, समझ गया ना, ये आपको इनपुट का ही दिखाएगा। आउटपुट में जैसे कि 5 से 20 होता हुआ तो नहीं दिखा रहा ये आपको, है ना, दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, 5 से 20 होता हुआ तो नहीं दिखा रहा, लेकिन इस एम्पियर को देख करके जनरल आइडिया लग जाता है कि हाँ मेरा आगे हरकत में आ चुका है, समझ गया ना। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते, बाद बाकी देखो ये टाइप सी टेस्टर तो अच्छी चीज है, ये अगर साथ में है बहुत सारा हमारा क्लियर हो जाता है, टाइप सी टेस्टर आपके पास हो तो अच्छी बात है, ये आपको हर चीज में काम आ जाएगा। इसको मैंने इस पर लगा दिया, टाइप सी टेस्टर जिला यहाँ पे देखो ये वोल्टेज दिखा रहा है, ये 8 एम्पियर करके दिखा रहा है, 8 वोल्ट है ना, मतलब ये रियल में एक्चुअल चीज जो होता है वो दिखा देता है। तो टेस्टर इसका काम ही वही है, ये कोई वोल्टेज देगा तो होगा नहीं, बस ये वोल्टेज दिखाएगा, मतलब पावर इंडिकेटर हो गया है ना, एम्पियर बढ़ा तो चार्ज का भी इंडिकेटर मिल गया कि चार्ज भी मेरी हो रही है, अगर एम्पियर नहीं बढ़ता तो पता नहीं चलता कि चार्ज हो रहा है, वोल्टेज से समझ में आ गया कि मेरा वोल्टेज क्या इन कर रहा है इसके अंदर, क्या वोल्टेज इन कर रहा है इसके अंदर, वो भी हमें क्लियर हो गया, समझिए ना। तो कुल मिला के यही आपका टाइप सी का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, ले लो सही सलाह रखा ठीक है ना। तो वोल्टेज के हिसाब से जाओ तो ये बेस्ट ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि वोल्टेज भी है प्लस इतने सारे आउटपुट है, काम आ जाता है, ऑल इन वन है, एक ले लिया सारा काम हो गया ठीक है ना। नहीं सस्ते में जाना है तो मैंने सस्ते का भी आपको बता दिया कि सस्ते में क्या लेना है ठीक है ना। तो अगर टाइप सी का केस सॉल्व करना है तो एटलीस्ट टाइप सी का कुछ तो ले लो, लेने का मतलब है कुछ तो ले लो, एडप्टर के भरोसे नहीं रहना। और एक हाथी का दांत भी आता है, हाथी का दांत मतलब ये जैसे आप डीसी पिन का सेट लेते हो ना, तो डीसी पिन का सेट में भी आपको एक टाइप सी का ये आता है ना, डीसी पिन आता है, वो हाथी का दांत है, समझ गया ना, वो 20 है तो 20 ही दे देगा है ना, वो काम नहीं आएगा, वो ध्यान में रखना, वो काम नहीं आएगा, वो रहता तो है डीसी पिन सेट के साथ लेकिन वो किसी काम का नहीं होता, समझ गया ना। और आसूस के लिए एक चीज और मैं दिखा देता हूँ आपको, ये अगर मान लीजिए आसूस का आप इस पे नहीं जाते हो, इसके इसमें जो आसूस का आउटपुट था उस पे नहीं जाते हो, तो आसूस का ये अलग से आता है, ये और एक ये है ना, ये आसूस के डीसी पिन स्पेशली आसूस के, अगर आप इसके साथ नहीं जाते तो ये अलग से आपको दो लेना पड़ेगा आसूस के, क्योंकि आसूस के गेमिंग आएंगे आपको टेस्टिंग करने के लिए पहले यही चाहिए, ये नहीं है तो फिर आप वोल्टेज ही नहीं इंजेक्ट कर सकते हो तो फिर आगे देखोगे क्या, समझ गए ना, ये आपको ध्यान रखना ठीक है।